दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य प्रताप का जन्मदिन बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। कठपुतली वाला खेल हो रहा है, उसका बच्चा भी बहुत खुश है। और यहाँ दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि राजकुमारी तारापिया को एक आहट महसूस होती है। वह अपने खिड़की से बाहर जब देखती है तो एक बंदूक गिरने की आवाज़ सी आती है। उसको ऐसा लगता है कोई ना कोई है ज़रूर, और जैसे वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है तो वो व्यक्ति आया है सूर्य प्रताप को मारने के लिए, क्योंकि उसके पास नरनाल है। और थोड़ी देर के बाद वो बंदूक चलाने की प्रतिक्रिया दे रहा है, और उसको राजकुमारी तारापिया को ऐसा महसूस होता है कि क्या पता आज सूर्य प्रताप की जान खतरे में ना हो। इसलिए वो बचाने के लिए सूर्य प्रताप को दौड़ती है सभागार की तरफ, जहाँ पर सभी लोग सूर्य प्रताप का जन्मदिन मना रहे हैं। दोस्तों, आगे के एपिसोड आप जरूर देखिए, आपको पता चलेगा क्या होने वाला है ध्रुव तारा के इस लेटेस्ट एपिसोड में, क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सूर्य प्रताप को क्या वो मार पाता है बंदूकधारी कि नहीं। तब तक के लिए